मैं अनौपचारिक रूप से कल शाम से ही उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के बॉयज हॉस्टल में आया हूँ। 5 तारीख से ज्वाइन करना है, लेकिन ये समझने के लिए कि यहाँ की व्यवस्था के टर्म्स कंडीशंस, उसके नियम वगैरह क्या हैं, माहौल कैसा है, उसे किस प्रकार से और बेहतर रूप देने का प्रयास किया जा सकता है, या फिर जैसा चल रहा है उसे मेंटेन करने का, तो इस दिशा में हमारा ये प्रयास जारी है। और अभी हम आ गए हैं और यहाँ देखिए गार्ड भैया हैं ड्यूटी में और हम बढ़ रहे हैं अपने कक्ष की ओर। कल शाम में एक कक्ष दिया गया है हमें आवास के लिए। ये तत्कालीन व्यवस्था है, शायद बाद में ये परिवर्तित भी हो सकती है। और ये भोजन का क्षेत्र है, यहीं पे भोजन मिलता है। ये बीच का छोटा सा आंगन है, बॉयज हॉस्टल उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी। और हमारा ये कक्ष है, अभी अलमीरा वगैरह नहीं मिला है, धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा। अभी डस्टबिन लाने गया था, लेके आ गया हूँ, और थोड़ी सी कुछ शायद पढ़ाई हो सके इस विचार से कुछ स्टडी मटेरियल भी लाया। इधर पीछे का माहौल भी बहुत सुहाना है, खिड़की के उस पार हम देखें तो जंगली क्षेत्र है, और सुरक्षा की व्यवस्था वगैरह बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। एक गुरुकुल बनने की ओर अग्रसर उषा मार्टिन विश्वविद्यालय। धन्यवाद।